गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x ऑफ t इक्वल टू ए नॉट सैम्पलिंग के t, तो हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रा करना है। ठीक है, तो इसके पहले हमने जो 110 नंबर लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था सैम्पलिंग से रिलेटेड, जो रेक्टेंगुलर एक फंक्शन था उससे हमने सैम्पलिंग फंक्शन किस तरीके से बनाया था, और एक ट्रायंगुलर था उससे हमने सैम्पलिंग किस तरीके से बनाया था। तो उसमें जो ट्रायंगुलर था, ठीक है, रेक्टेंगल था, उसमें कुछ इस टाइप का फॉर्मेट आया था, ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई टू, तो इस फॉर्मेट में कुछ आया था। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अब हम ये इससे समझेंगे कि हमारा ये जो फंक्शन जो आएगा वो हमारा किस में आएगा, रेक्टेंगल फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसके लिए अगर f ऑफ t अगर हम बात करें तो f ऑफ t इसका क्या होगा, f ऑफ t इसका इस तरीके से होगा जिसका एम्पलीट्यूड होगा a नॉट और tau by 2 से माइनस tau by 2। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई टू, ठीक है, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, कल हमने इसका प्रूफ किया था, जब ऐसा रेक्टेंगुलर फंक्शन दिया हो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई टू, ये क्लियर है। तो अब यहाँ हमने सैम्पलिंग देख लिया था, इसीलिए हमने इसको यूज़ करके और इसको यूज़ किया, इसका हमें रिजल्ट फाइनल पता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहीं से ड्यूअलिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जब ड्यूअलिटी यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, ओमेगा की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा की जगह टी पुट करेंगे टाउ बाई टू। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इधर वाला जो फंक्शन है उसमें क्या करेंगे, टी की जगह माइनस ओमेगा पुट करेंगे और टू पाई के साथ में, तो टू पाई लिखेंगे और यहाँ पे फंक्शन में टी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा। क्लियर है, तो ये जो हमारा ए टाउ सैम्पलिंग टी बाई टाउ है, ये हमारा क्या है, ए नॉट सैम्पलिंग के टी ही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए नॉट सैम्पलिंग के टी है, उसी का ये बना है हमने, फिर हमने ड्यूअलिटी यूज़ करके यहाँ पे ओमेगा की जगह टी पुट कर लिया है, तो ये और ये इक्वल ही है। ठीक है, तो फिर ए नॉट हमारे पास क्या मिलेगा, अगर इसको कंपेयर करें तो ए नॉट हमारा मिलेगा ए टाउ। ठीक है, और यहाँ पे के क्या मिलेगा, के मिलेगा टाउ बाई टू, के मिलेगा टाउ बाई टू। ठीक है, तो टाउ क्या मिलेगा, टू के, तो टाउ की जगह यहाँ पे अगर टू के पुट कर दें और इसको इस तरफ भेज दें तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए नॉट बाई टू के। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे एफ टी हमारा रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके से है जिसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, तो एफ ऑफ माइनस ओमेगा के लिए, ठीक है, क्या होगा, एफ ऑफ माइनस ओमेगा के लिए, तो एफ ऑफ माइनस ओमेगा के लिए भी रेक्टेंगुलर इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका हमने फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया है। ठीक है, रिवर्सल किया है, तो रिवर्सल अगर फ्रीक्वेंसी का करेंगे तो इसको इस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये सिमेट्री है। ठीक है, तो सिमेट्री में क्या हुआ, सिमेट्री में कभी भी इसको चेंज करने पर सेम ही फंक्शन मिलता है, तो फंक्शन तो वैसा ही मिलेगा, एफ ऑफ चाहे ओमेगा रखें चाहे एफ ऑफ टी रखेंगे तब भी वही मिलेगा, एफ ऑफ माइनस ओमेगा पे भी सेम फंक्शन मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ टी के लिए एम्पलीट्यूड ए नॉट था, तो 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2 पाई ए नॉट, 2 पाई, 2 पाई ए, इसके लिए ए नॉट था तो इसके लिए क्या होगा? 2 पाई और यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये हमारा है 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा के लिए, ठीक है। और ड्यूरेशन तो टाउ बाई टू से माइनस टाउ बाई टू के बीच में ही रहेगा। तो अब यहाँ पे 2 पाई ए, 2 पाई ए की जगह पे ए नॉट बाई टू के रख दें, ए की जगह ए नॉट बाई टू के रख दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट पाई बाई के, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 पाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए नॉट पाई बाई के। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड होगा ए नॉट पाई बाई के, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इरेज करके ऊपर लिख लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे लिखते हैं x ऑफ t इक्वल टू क्या दिया हुआ था? ए नॉट सैम्पलिंग के टी, ठीक है। एक्स टी दिया हुआ था ए नॉट सैम्पलिंग के टी। ए नॉट सैम्पलिंग के टी क्या है? ए टाउ सैम्पलिंग टी बाई टाउ, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, तो ये क्या हुआ? इसी के लिए हुआ, ये जो हमने अभी बनाया है, फोरियर ड्रॉ किया है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला हम बना सकते हैं एफ ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है, माइनस टाउ बाई टू, ये हमारा है प्लस टाउ बाई टू, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? ए नॉट पाई बाई के, ठीक है। ये हमारा है एक्स ऑफ ओमेगा। तो इसको हमें ये फॉर्मेट याद रखना है, जब भी हमारे पास कोई भी सिग्नल दिया होगा टाइम डोमेन में ए नॉट सैम्पलिंग के टी, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कैसे होगा? इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है, जिसमें एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा? ए नॉट पाई बाई के, और ड्यूरेशन क्या होगी? माइनस टाउ बाई टू से प्लस टाउ बाई टू। क्वेश्चंस करके देख लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, एक्स ऑफ टी इक्वल टू टू सैम्पलिंग 5 टी, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें ड्रॉ करना है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब ए नॉट यहाँ पे क्या है? ए नॉट की वैल्यू है 2, ए नॉट की वैल्यू है 2, के को कंपेयर कर सकते हैं 5 से, के की वैल्यू क्या है? 5, ओके। अब इसको हम चेंज करते हैं के को टाउ बाई टू से चेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या देखा था? के की वैल्यू क्या आई थी? के की वैल्यू आई थी टाउ बाई टू, तो इसलिए अब हम इसको टाउ बाई टू की जगह पे यहाँ पे इसको इरेज करके के ही लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस के से प्लस के। ये आसानी रहेगी याद करने में, क्योंकि टाउ बाई टू कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि माइनस टाउ से प्लस टाउ है या माइनस टाउ बाई टू से प्लस टाउ बाई टू है, तो इसके लिए याद रखेंगे माइनस के से के के बीच में है, के हमारा क्या है? टाउ बाई टू है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो गई? के कंपेयर किया तो के की वैल्यू हमारे पास आई 5। तो अब फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तक यहाँ ड्रा कर लेंगे, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रा करेंगे तो कहाँ से? माइनस के से के, तो के की वैल्यू 5 है, मतलब माइनस 5 से 5 के बीच में ड्रा करना है, माइनस 5 से 5 के बीच में ड्रा करना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है?
एम्पलीट्यूड है इसका ए नॉट पाई बाई के। ए नॉट कितना है? टू है। ए नॉट पाई बाई के, के की वैल्यू कितनी है? फाइव। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रा हो गया जिसकी ड्यूरेशन माइनस फाइव टू फाइव है, एम्पलीट्यूड है टू पाई बाई फाइव। क्लियर है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार 20 सैम्पलिंग यहाँ पे दिया हुआ है माइनस फोर टू फोर फाइव पाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें इसका ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या डिनोट करती है? ये वैल्यू डिनोट करती है के को, माइनस के से प्लस के। और एम्पलीट्यूड से कंपेयर करेंगे ए नॉट पाई बाई के, ये एम्पलीट्यूड है और इसका एक्चुअल एम्पलीट्यूड क्या होता है? ए नॉट पाई बाई के। तो इससे कंपेयर कर लें, ठीक है। और के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है फोर। तो के की वैल्यू यहाँ फोर रख के देखते हैं, फाइव पाई इक्वल टू ए नॉट पाई बाई के, के की जगह कितना है? फोर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? ए नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? इधर मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ रही है, तो ए नॉट की वैल्यू आ रही है 20 और के की वैल्यू कितनी है? फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए नॉट, ए नॉट लिखेंगे सैम्पलिंग के टी लिखेंगे, ठीक है। ए नॉट कितना है? 20 सैम्पलिंग के, के कितना है? फोर, फोर टी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, कभी भी अगर इस टाइप का दिया होगा उसका ड्रॉ करना होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे, या पहले से ड्रॉ किया हुआ है उसकी इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है तो उसको इस तरीके से कंपेयर करेंगे, जो एम्पलीट्यूड जो भी दिया होगा यहाँ पे उसको ए नॉट पाई बाई के से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। और के की वैल्यू ये रेंज तो दी हुई है, उससे के हमें पता हो जाएगा, के पुट करके यहाँ से ए नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ए नॉट सैम्पलिंग के टी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ए नॉट की जगह जो भी आएगा वो लिखेंगे, के की जगह जो वैल्यूज है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखेंगे हमेशा, ए नॉट सैम्पलिंग के टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ये हमारा रेक्टेंगल होता है जिसकी रेंज माइनस के टू के होती है, एम्पलीट्यूड ए नॉट पाई बाई के होता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।